हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये जो सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये प्री और मेंस के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी। इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसको निकालने के लिए आपके पास दो तरीका है, एक तो बेसिक मेथड और दूसरा शॉर्ट तरीका जो अभी हम आपको बताएंगे। तो पहले इसको समझते हैं बेसिक से कैसे सॉल्व होगा। देखिए, आपको यहां से निकालना है ए बी और सी का वैल्यू, ठीक है। तो काम करते हैं, सबको आपस में ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। ओके, आप जानते हैं ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 5 है। और यहाँ से बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 7 है। और यहाँ से सी प्लस ए का वैल्यू कितना है, 6 है। इस सभी को हम आपस में ऐड कर लेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ए एक बार यहाँ दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है, यानी ए कितना बार आएगा, 2 बार आएगा। उस तरह से बी कितना बार दिख रहा है आपको, 2 बार दिख रहा है। और सी भी 2 बार दिख रहा है, यानी कि 2 आपका कॉमन निकल जाएगा। वो कितना जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, इसको ऐड कर लीजिए, 7 5 12 और 6 18। तो यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 9। यानी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब अगर आपको ए निकालना है तो क्या करेंगे, बी प्लस सी को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर है बी प्लस सी, इसका वैल्यू कितना है, 7 है। ओके, तो 9 माइनस 7 हो जाएगा 2। उस तरह से अगर आप बी निकालेंगे तो ए सी का वैल्यू माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ए सी, इसका वैल्यू कितना है, 6 है। तो 9 माइनस 6 करेंगे, ये हो जाएगा 3। उसी तरह से अगर आप सी निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ए और बी को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको ए बी, इसका वैल्यू कितना है, 5 है। 9 माइनस 5 करेंगे, हो जाएगा 4। यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना निकला, 2:3:4। ओके, अब हम समझेंगे शॉर्ट तरीका, वो भी बहुत सिंपल है। देखिए, जब भी आपको ए निकालना हो, जब भी आपको ए का वैल्यू निकालना हो, तो क्या करेंगे, जहां जहां पर ए दिख रहा है ना, उसको ऐड कर लीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है और यहाँ पे ये दिख रहा है, इसका वैल्यू कितना है, 5 और 6। इसको ऐड कीजिए और माइनस कीजिए जहां पर आपको ए नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको ए नहीं दिख रहा होगा, इसका वैल्यू कितना है, 7 है। तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। उस तरह से बी के लिए क्या करेंगे, जहां जहां पर बी है उसको ऐड कीजिए और जहां पर बी नहीं है उसको माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर है बी और यहाँ पर है बी, इसका वैल्यू कितना है, 5 और 7 12 हो जाएगा। 12 में से 6 घटाएंगे, ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। सी का वैल्यू देखिए, जहां जहां पे सी है उसको ऐड करेंगे। तो 7 प्लस 6 13 हो जाएगा, माइनस करेंगे 5 8 हो जाएगा। यहां से आप रेशियो लेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 4:6:8। इसमें जो कॉमन है इसको हटाएंगे, 2 3 4 निकल गया ना, 2 3 4, दोनों जगह सेम टू सेम है। तो देख लीजिए कहाँ पे आपका टाइम बचा। ओके, ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, इतना कुछ लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट ए रेशियो बी रेशियो सी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, आपको चाहिए यहाँ पर सी का वैल्यू। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, 2 है। तो 2 × 2 हो जाएगा 4, माइनस का बी का वैल्यू 3 है, तो 3 × 3 9 हो जाएगा। और सी का वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 16। इतना यूनिट का वैल्यू आपके पास 66 है। ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 9 हो जाएगा 11 यूनिट। किसी का वैल्यू है 66, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू 6 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना गया, 6 आ गया। और आपको क्या चाहिए, सी का वैल्यू, यही चाहिए ना, सी का वैल्यू। तो इसका वैल्यू कितना है, 4 सी। 4 सी यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 × 4 कर लेंगे, ये हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो अगला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। और एक बात आपको बताते हैं कि यहाँ पर रेशियो देकर रेशियो ही पूछा गया है, तो ये वाले डाटा का कोई यूज नहीं है। ओके, इसका वैल्यू रखिए या ना रखिए कोई फायदा नहीं है। पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सी का वैल्यू निकालना था, सी का वैल्यू निकालना था, लेकिन इस बार क्वेश्चन में आपको रेशियो निकालना है। ओके, तो प्लीज आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।